नमस्कार दोस्तों, दी ठाट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है खतड़ुआ या गाय त्यार, पशुधन को समर्पित एक त्यौहार। गाय त्यार या गौ त्यार, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गायों को समर्पित एक त्यौहार है। कुमाऊं के पर्वतीय भूभाग में मनाए जाने वाला यह त्यौहार मूल रूप से गायों को समर्पित है, क्योंकि पर्वतीय भूभाग में कोई बड़े उद्योग धंधे ना होने के कारण वहां पर लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना या पशुपालना ही है। उनका पूरा जीवन इन्हीं दो चीज़ों पर आधारित है, या यूँ कहें कि किसान की सबसे अमूल्य संपत्ति उनका पशु और उनकी भूमि ही होती है। इसलिए इन जगहों पर प्रकृति और पशुओं से संबंधित अनेक त्यौहार समय समय पर या ऋतु परिवर्तन के वक्त मनाए जाते हैं, जिनके कई वैज्ञानिक आधार भी हैं, लेकिन उन त्यौहारों को एक लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। खतड़ुआ या गाय त्यौहार कब मनाया जाता है? वर्षा ऋतु के समाप्त होने तथा शरद ऋतु के प्रारंभ में, यानी कि अश्विन माह के प्रथम दिन कन्या संक्रांति को जन्म मनाए जाने वाला यह गाय त्यार त्यौहार उत्तराखंड के सिर्फ कुमायूं में ही मनाया जाता है। इस त्यौहार के ठीक एक दिन पहले जंगल से कांस के पौधों को फूल सहित काटकर लाया जाता है, फिर उनको एक बुढ़िया बूढ़ी महिला की मानव आकृति में ढाला जाता है तथा उसके गले में फूलों की मालाएँ सजाकर उसे घर के पास गोबर के ढेर के ऊपर आरोपित या गाड़ दिया जाता है। इसी के साथ ही गांव के बच्चे गांव में किसी एक जगह पर, जो कि गांव का केंद्र होता है, वहां पर किसी शाखाओं वाले वृक्ष को जंगल से काट कर लाते हैं तथा वहां पर गाड़ देते हैं तथा उस वृक्ष में घास फूस पिरोल तथा लकड़ियों को एक साथ बांध कर उसे एक पुतले का रूप दे देते हैं, जिसे खतड़ुआ कहते हैं। कुछ स्थान पर यह खतड़ुआ खरकों यानी जानवरों के रहने की जगह के आसपास ही बनाए जाते हैं, और अगले दिन सुबह ही कुछ हरी घास लेकर उनको एक बूढ़े व्यक्ति का रूप दिया जाता है, फिर उनको बूढ़ी के पास ही गोबर के ढेर के ऊपर आरोपित कर दिया जाता है। उस दिन शाम को बूढ़े को उखाड़कर घुमाकर छत में फेंक दिया जाता है तथा बूढ़ी को उखाड़कर सूर्यास्त के बाद खतड़ुए के साथ जला दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस जलते हुए खतड़ुए के साथ उन पशुओं के सारे रोग तो वह अनिष्ट भी इसी के साथ खत्म हो गए। इस समय पर पर्वतीय क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में होने वाली ककड़ी खीरा को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यह गायों के साथ साथ सभी पशुओं को समर्पित लोक पर्व है। वर्षा काल में अनेक तरह के रोग व्याधि कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं और गायों के गोठों में, यानी कि गायों जहां पर हम गायों को बांधते हैं, वहां पर गोबर और घास में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए इन जगहों पर अग्नि प्रज्वलित कर रोग व्याधियों को जानवरों से दूर रखने की कोशिश की जाती है। इसलिए खतड़ुए को जलाते वक्त उसमें से कुछ अग्नि के मसाले लेकर गाय के गोठों में घुमा दिया जाता है और उसके धुएं को कुछ समय के लिए गोठों में भर दिया जाता है। इससे इस जगह से कई प्रकार के कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं तथा दीमक का नाश हो जाता है। उत्तराखंड की महिलाएं इस दिन पशुओं की खूब सेवा करती हैं। उन्हें हरा हरा पौष्टिक घास पेट भर खाने को दिया जाता है। घास खिलाते हुए महिलाएँ लोकप्रिय लोकगीत भी गाती हैं। यह लोकगीत मंगल कामनाओं से भरा हुआ गीत है, जिसे महिलाएं कहती हैं कि मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे पौष्टिक आहार जंगलों और खेतों से ढूंढ कर लाऊंगी। तू भी दीर्घायु होना और तेरा मालिक भी दीर्घायु रहे। तेरी इतनी वंश वृद्धि हो कि पूरा गोठ भर जाए और तेरे मालिक की संतान भी दीर्घायु हो। कुमाऊं में फौका जनजाति क्षेत्र, जो लोग मुख्यतः धारचूला और मुंझारी के क्षेत्र में रहते हैं, वो भी इस त्यौहार को धूमधाम के साथ मनाते हैं, लेकिन यहाँ अन्य जगह से थोड़ा अलग तरीके से मनाया जाता है। स्थानीय युवक जंगल के किसी बड़े ऊंचे टीले नुमा जगह से लकड़ियों को काटकर सूखी घास को इकट्ठा कर लेते हैं तथा वहाँ पर पुलिया नामक घास के दो पुतले बनाए जाते हैं, जिसमें से एक को बूढ़ा और एक को बुढ़िया का नाम दिया जाता है। और शाम के वक्त चीड़ के छिलकों से मसाले जलाकर युवक और बच्चे वहाँ पहुँचते हैं तथा एकत्रित घास फूस और बूढ़े बुढ़िया को आग लगाकर उसके चारों तरफ नाचते गाते यह त्यौहार बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं।
आग के खत्म हो जाने पर उसकी राख को लेकर सभी युवक घर को लौटते हैं तथा उस राख को घर के सभी सदस्यों के माथे पर व सभी पशुओं के माथे पर लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे दुष्ट आत्माएं व भूत प्रेत दूर रहते हैं। एक प्रचलित कथा और भी है। इस कथा के आधार पर कुछ लोग इस लोक पर्व को विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि कुमाऊनी सेना के गैड़ा सिंह ने गढ़वाली सेना के अपने प्रतिद्वंदी खतड़ सिंह को पराजित कर गढ़वाली सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसी दिन उसने खतड़ सिंह पर विजय भी पाई थी, इसलिए इस त्यौहार को विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन गढ़वाली या कुमाऊनी इतिहास में ना तो इस तरह के किसी युद्ध का और ना ही इस तरह के किसी सेनापतियों के नाम दर्ज हैं। यह मात्र एक लोक पर्व है जो किसान और उसकी अमूल्य संपत्ति पशुधन व कृषि पर आधारित है, जिसको वर्षा काल में होने वाले अनेक रोगों से पशुओं को बचाने के लिए मनाया जाता है तथा इस वक्त होने वाले फल फूल को खाया व प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। यह त्यौहार नेपाल के कुछ हिस्सों तथा सिक्किम में भी इसी रूप में मनाया जाता है, लेकिन यह त्यौहार उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में नहीं मनाया जाता है, सिर्फ कुमायूं मंडल में ही मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारे आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।